वेलकम ऑल ऑफ यू यूनिलिंक मार्केटिंग एलएलपी कंपनी में आप सभी डिस्ट्रीब्यूटर का। दोस्तों मैं शशिकांत यूनिलिंक जोनल मैनेजर आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज का जो हमारा सेशन होने वाला है वो होने वाला है इनकम प्लान के रिलेटेड। लास्ट जूम वेबिनार में हमने देखा था कि पूरा इनकम प्लान, लेकिन मुझे मालूम है कि हमारा जो इनकम प्लान है ये जनरेशन प्लान है, समझने के लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन प्रैक्टिस अगर करते हैं तो इससे इजी प्लान आपको नहीं दिखेगा। तो दोस्तों सबसे पहले बात यह है कि अगर इनकम प्लान अगर हमें समझना है तो हमारे खुद के पास टूल होना जरूरी है। और टूल में क्या है कि सबसे इंपॉर्टेंट बिजनेस मैन्युअल हमारे पास होना जरूरी है, जिससे क्या होता है कि बिजनेस मैन्युअल अगर हमारे पास होगा तो हम लोगों को एक्सप्लेन कर सकते हैं और खुद भी हम लोग प्लान एक्सप्लेन कर सकते हैं। दोस्तों आपको मालूम है हमारी जो कंपनी है यूनिलिंक मार्केटिंग एलएलपी, दोस्तों 30 मंथ कंप्लीट हो चुके हैं कंपनी को। ये डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का बहुत बढ़िया कंपनी है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है जिसमें हेल्थ केयर, पर्सनल केयर, एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट हमारे पास है। और इसका जो प्लान है दोस्तों जनरेशन प्लान है, और कंपनी जो इनकम बांटती है वो बीवी के ऊपर बांटती है, बिजनेस वॉल्यूम। हर एक प्रोडक्ट के लिए कंपनी ने बीवी दिया है। अभी आज हम ये देखने वाले हैं कि इसके जो इनकम है, यहाँ पे मैं स्क्रीन शेयर करना चाहता हूँ कि लास्ट टाइम हमने जो देखा था उसके बारे में पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि देखो यूनिलिंक कंपनी के प्लान के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमारे जो इनकम टाइप्स है, टाइप्स ऑफ इनकम, 8 टाइप्स ऑफ इनकम है, जिसके लिए ज्वाइनिंग के लिए क्या करना पड़ता है दोस्तों, 500 बीवी का हमें पहले खुद का परचेस करना पड़ता है। 500 बीवी का परचेस 2,800 में हो जाता है, और जो कुछ 500 बीवी तक हमें फर्स्ट परचेसिंग है उसके ऊपर 10% डिस्काउंट ऑलरेडी कंपनी देती है एमआरपी के ऊपर। और एक बार हमारा आईडी एक्टिवेट होने के बाद हम लोग 8 टाइप्स ऑफ इनकम कमा सकते हैं, जिसमें रिटेल प्रॉफिट 30%, रेफरल बोनस 20%, ग्रुप बीवी बोनस 25%, डायरेक्टर बोनस 20%, लीडरशिप बोनस 25%, कार फंड 7%, ट्रैवल फंड 5% और हाउस फंड 3%, ऐसे लगभग हम लोग इनकम ले सकते हैं। अभी क्या होता है दोस्तों कि हम लोग तो बिजनेस में आते हैं, प्रोडक्ट के बारे में हम तो नंबर वन है, रिटेलिंग में हमारा हाथ कोई पकड़ नहीं सकता है, लेकिन उसके साथ साथ जिस कंपनी के साथ में हम लोग काम कर रहे हैं, जो बिजनेस हम लोग ला रहे, जो टर्नओवर और ला रहे, उसके ऊपर हमें कैसा इनकम मिलने वाला है ये भी हमें समझना बहुत जरूरी है। इसलिए मैनेजमेंट का प्रयास यही है कि आप लोगों को इनकम प्लान 100% पूरा मालूम होना चाहिए, इसलिए ये वेबिनार कंपनी ने स्टार्ट की है। अभी दोस्तों रिटेल प्रॉफिट 30%, ये तो आपको मालूम है कि एक बार आपका आईडी एक्टिवेट होने के बाद लाइफ टाइम आपको 30% में प्रोडक्ट मिलने वाले है। मतलब फॉर एग्जाम्पल जो प्रोटीन पाउडर आप स्टार्टिंग में 1,000 का जो है वो 30% मतलब 700 में आपको मिलेगा। मतलब यहाँ पे कंपनी ने क्या किया है कि लाइफ टाइम 30% आपको दिए है। उसके बाद में रेफरल बोनस 20%, आप अगर आपके किसी दोस्त को, रिश्तेदार को ये बिजनेस में एसोसिएट करते हो तो उसके एमआरपी के ऊपर, फॉर एग्जाम्पल 2000 का आप अगर उनका रजिस्ट्रेशन करते हो तो 2000 एमआरपी के ऊपर 20% मतलब 400 रुपीज आपको आते हैं, उसमें से 5% टीडीएस, 5% एडमिन चार्जेस कट होके 360 रुपीज आपके अकाउंट में जमा होता है। दोस्तों पैन कार्ड अगर अपडेट है तो 5% आता है, अगर पैन कार्ड अपडेट नहीं है तो 20% टीडीएस कट होता है। इसलिए आपको ये समझना है कि आपका खुद का और आने वाले टीम का केवाईसी अपडेट करना ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके बाद में आता है दोस्तों ग्रुप बीवी बोनस। आज हम सिर्फ इसके बारे में ही बात करने वाले हैं, ग्रुप बीवी बोनस। इसके लिए आप आपका पेन, पेपर, डायरी, आप नोटबुक ले सकते हो जिससे हम कुछ पॉइंट निकालेंगे। आज हम लोग सिर्फ देखने वाले ग्रुप बीवी बोनस है मिलता कैसे, इसका क्या क्या कंडीशन है, इसका फॉर्मूला क्या है, इसका चार्ट क्या है, और इसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन लेने वाले हैं एक 10 मिनट का। अभी सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि ग्रुप बीवी बोनस ये आपको मिलता है आप और आपके ग्रुप के ऊपर, इसको नाम भी वैसा ही दिया है कि ग्रुप बीवी बोनस। अभी ये कैसा मिलता है दोस्तों, इसके लिए आपको अगर ग्रुप बीवी कितना मिलता है ये समझने के लिए चार्ट आपके पास होना बहुत जरूरी है।
ये चार्ट अगर आपके पास नहीं है तो आप समझ नहीं सकते ग्रुप बीवी बोनस कैसा मिलता है। स्टार्टिंग में हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि ग्रुप बीवी का जो चार्ट है, ऑलरेडी आपके पास बिजनेस मैनुअल है, कंपनी ने पीडीएफ भी आपके पास भेजा है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि कंपनी ने स्लैब दिया है 2,500 बीवी, 5,000 बीवी, 10,000 बीवी, 25,000 बीवी, 50,000 बीवी और 1,00,000 बीवी। ग्रुप बीवी के लिए सबसे पहला कंडीशन यह है कि ग्रुप बीवी आपको तब मिलेगा जब आपके आईडी के नीचे कम से कम अगर 2,500 बीवी होते हैं, तो 2,500 बीवी के ऊपर अगर आपका बिजनेस होता है तो आपको मिलेगा ग्रुप बीवी बोनस। आपका एक ही मंथ में, हमारा साइकिल आपको मालूम है दोस्तों, 1 तारीख से लेके 31, फॉर एग्जाम्पल ये दिसंबर का मंथ है, 1 तारीख से लेके 31 दिसंबर तक आपके आईडी के नीचे आपके माध्यम से और आपके टीम के माध्यम से जितना भी टर्नओवर आ रहा है उसके ऊपर आपको ग्रुप बीवी मिलता है। अब ये कितना मिलेगा दोस्तों, कि इसके लिए हमें ये समझना है कि ग्रुप बीवी, सबसे पहले आप नोट कर लीजिए कि ग्रुप बीवी मिलता है कम से कम अगर 2,500 बीवी होते हैं। 2,500 बीवी मतलब 5 ज्वाइनिंग, या आप रिटेलिंग करके भी एक आदमी का भी 2,500 बीवी कर सकते हो। तो इसमें हमें यह समझना है कि ग्रुप बीवी हमें कब मिलता है, अगर कम से कम 2,500 बीवी होते हैं तो। आपके आईडी के नीचे सिर्फ 2,000, 2,500, 2,400, 2,400 बीवी भी अगर होते हैं तो आपको ग्रुप बीवी नहीं मिलेगा। पहले हम लोग ये चार्ट समझ लेते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या है। ग्रुप बीवी बोनस के लिए दोस्तों एक सिंपल फॉर्मूला है। कंपनी क्या करती है कि आपके आईडी के नीचे जितना भी आपके ग्रुप के माध्यम से बिजनेस आ रहा है, कंपनी आपके खुद के ग्रुप पॉइंट निकालती है, मतलब आपके खुद के पॉइंट निकालती है और कंपनी टर्नओवर से वो पॉइंट का वैल्यू निकालती है रुपीज में। यहाँ पे हम लोग कैलकुलेशन देखते हैं कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो स्लैब दिया है 2,500, 5,000, 10,000, 25,000, 50,000, 1,00,000, तो ग्रुप पॉइंट कंपनी कैलकुलेट कैसे करती है, ग्रुप पॉइंट मतलब आपके पॉइंट कंपनी कैसे कैलकुलेट करती है। यहाँ पे ग्रुप पॉइंट इज इक्वल टू 1% ऑफ हाईएस्ट लेग, 5% ऑफ अदर लेग ऑन सेपरेट बेसिस। देखो ये कंपनी का स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, इसमें कभी चेंजेस नहीं होगा। कंपनी आपके पॉइंट कैसे निकलती है, ग्रुप पॉइंट क्या करती है, 1% ऑफ हाईएस्ट लेग और 5% ऑफ सेपरेट अदर लेग्स ऑन सेपरेट बेसिस, ये आपके कंपनी पॉइंट निकलती है। ये प्रैक्टिकली भी हम लोग देखने वाले है। और उसके साथ साथ ग्रुप पॉइंट वैल्यू कैलकुलेशन कैसे निकालती है। फॉर एग्जांपल आपके पॉइंट तो कंपनी ने निकाल दिए, लेकिन एक पॉइंट का वैल्यू कितना है रुपीज में, इसके लिए कंपनी के पास कैलकुलेशन ऐसा है कि फॉर एग्जांपल आप 2,500 के स्लैब में है तो ग्रुप पॉइंट वैल्यू क्या है, टोटल बीवी ऑफ कंपनी इंटू 4%। मतलब फॉर एग्जाम्पल कंपनी का जो कुछ भी टर्न ओवर जाता है, आप अगर 2,500 के स्लैब में हो तो आपको कंपनी के टर्न ओवर से 4% साइड में निकालेगी, डिवाइड बाय ऑल पॉइंट्स ऑफ क्वालिफायर। आपके जितना पॉइंट है, फॉर एग्जांपल आपके 200 या 500 पॉइंट है, वैसे 2,500 के स्लैब में 50 लोग है, उन लोगों के मिला के कितने पॉइंट होते हैं वो डिवाइड किए जाते हैं। तो दोस्तों मैं पहले चार्ट समझा देता हूँ कि 2,500 के बीवी के लिए भी कंपनी 4% निकालती है, 5,000 के स्लैब में आप हो ग्रुप बीवी के फिर भी 4% निकालती है, मतलब 2,500 से लेके 50,000 का जो स्लैब है उसके लिए कंपनी 4% साइड में निकलती है। और 1,00,000 बीवी के ऊपर अगर आपका बिजनेस जाता है आपके आईडी के नीचे कहीं से भी जाओ, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है 5%। मतलब आपका टर्नओवर, जो बीवी का टर्नओवर है वो 1,00,000+ जाता है, तो उसके लिए टर्नओवर से कंपनी आपके लिए निकालेगी 5%। मतलब यहाँ पे दोस्तों कैलकुलेशन अगर हम करते हैं कि ग्रुप बीवी का इनकम कितना मिलता है, कंपनी कितना मारता है, 25%। यहाँ पे कैलकुलेशन अगर हम लोग करते हैं 4%, 4%, 4%, 4%, 4% एंड 5%, ये 2,500 से लेके 1,00,000 तक सभी का अगर पॉइंट का कैलकुलेशन करते हैं तो ये 25% होता है। मतलब 4+4+4+4+4+5 ये टोटल होता है 5%। और आपका इनकम कैसे निकाला जाता है, आपके ग्रुप पॉइंट इंटू पॉइंट वैल्यू। ओके, ये चार्ट आपको समझना बहुत जरूरी दोस्तों। एक दिन भी अगर आपने ये पूरा चार्ट समझ लिया तो आपका ग्रुप बीवी बोनस आपका क्लियर हो जाएगा। चलो हम लोग प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं, एक कैलकुलेशन हम लोग लेते हैं। चलो ग्रुप बीवी बोनस का प्रैक्टिकली कैलकुलेशन ऐसा है कि यहाँ पे टोटल ग्रुप बीवी ऑफ यू 10,000 एंड यू फॉल इन 10,000 बीवी स्लैब। अभी हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं कि देखो आप यहाँ पे है,
आपके नीचे तीन लेग है, तीन पॉकेट है, ए बी सी। आपके आईडी के नीचे ए का बिजनेस होता है 5000 बीवी, बी का बिजनेस होता है 3000 बीवी और सी का बिजनेस होता है 2000 बीवी। मान लीजिए ये आपका खुद का आईडी, यू मतलब आपका खुद का आईडी है। हम लोग अभी ये दिसंबर मंथ में है, 1 तारीख से लेके 31 तारीख तक आपका कितना बिजनेस होता है, आपके नीचे 5000 प्लस 3000 प्लस 2000, टोटल बिजनेस होता है आपका 10000 का, 10000 का आपके आईडी के नीचे बिजनेस हुआ है। तो यहाँ पे कंपनी आपको ग्रुप बीवी कैसा मिलेगा? देखो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप है 10000 के स्लैब में, मतलब यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं कि 10000 के ग्रुप बीवी में अगर हम लोग आते हैं तो कंपनी आपके लिए निकालने वाली है 4%, मतलब आप 10000 के स्लैब में है। तो यहाँ पे देखते हैं कि सपोज कंपनी बीवी जो है, कंपनी का जो टर्नओवर है वो 50 लाख का गया है। तो दोस्तों यहाँ पे फॉर्मूला मैंने पहले बोला है कि यहाँ पे कंपनी क्या करती है। देखो कंपनी यहाँ पे पहले क्या करनी है, आपके खुद के पॉइंट निकालने वाली, खुद के पॉइंट कैसे निकालेगी। फॉर एग्जाम्पल फॉर्मूला ये था कि 1% ऑफ हाइएस्ट लेग और अदर लेग का कंपनी 5% निकालती है। अभी यहाँ पे हमें देखना है 2000, 3000 और 5000, इसमें से सबसे हाइएस्ट लेग कौन सा है, 5000। तो 5000 का कंपनी 1% से अगर पॉइंट निकालती है तो आपके पॉइंट बनते हैं 50, 5000 का 1% आता है 50, और अदर जो लेग है उनके कंपनी कितना निकलती है 5%। तो यहाँ पे अदर लेग मतलब 3000 का 5% 150 पॉइंट आपके हो गए और 2000 के 5% आपके हुए 100 पॉइंट। यहाँ पे टोटल अगर कैलकुलेशन करें तो टीम ए प्लस बी प्लस सी आपके टोटल पॉइंट कितने बनते हैं 300। देखो मैं फिर से एक बार दोहराना चाहता हूँ दोस्तों कि आपके नीचे क्या हुआ, 5000 3000 2000 ये आपके आईडी के नीचे बिजनेस गया 3 लेख से और कंपनी का टर्नओवर गया 50 लाख। तो अगर ये बिजनेस आपके नीचे तो कंपनी इसके लिए क्या करने वाली है दोस्तों, आपके खुद के पॉइंट निकालेगी। पॉइंट का फॉर्मूला क्या है, 1% ऑफ हाइएस्ट लेग और अदर लेग का कंपनी 5% निकालने वाली। हाइएस्ट लेग कौन सा है, 5000, तो 5000 का 1% 50, बाकी अदर लेग का 5% निकालेंगे तो 3000 का 5%, 2000 का 5%, 100। तो आपके टोटल पॉइंट कितने हुए, 50 प्लस 150 प्लस 100 आपके टोटल पॉइंट हुए 300, मतलब 300 पॉइंट आपके हुए। ओके अभी ये हुए आपके पॉइंट, कितने हुए 300, लेकिन एक पॉइंट का वैल्यू कितना है रुपीज में। तो इसके लिए कंपनी ने क्या किया, देखो पहला जो स्टेप था मैं यहाँ पे दिखाने चाहता हूँ कि ग्रुप पॉइंट कंपनी कैसे कैलकुलेट करती है, 1% ऑफ हाईएस्ट लेग 5% ऑफ अदर लेग। ये कैसा है, ग्रुप पॉइंट कैलकुलेशन जो आपका खुद का है। लेकिन उसके बाद में दूसरा फॉर्मूला क्या है कि एक पॉइंट का वैल्यू कितना, इसका कैलकुलेशन कंपनी को करना है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि फॉर एग्जाम्पल 10000 के ग्रुप में आप थे, वैसे है 20 क्वालिफायर आ चुके हैं और आपके जैसे 300 पॉइंट है, वैसे सभी लीडर्स के पॉइंट मिला के 50000 पॉइंट होते हैं। तो यहाँ पे कंपनी का कैलकुलेशन ऐसा है दोस्तों कि टोटल बीवी ऑफ कंपनी टर्नओवर इनटू 4%, 4% क्यों, क्योंकि आप हो 4% के स्लैब में, डिवाइड बाय ऑल पॉइंट्स ऑफ क्वालिफायर। यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं, टोटल बीवी ऑफ कंपनी कितना था 50 लाख, 50 लाख में से कंपनी कितना परसेंट निकालेगी 4%, तो 50 लाख का 4% होता है 2 लाख, 2 लाख रुपीज कंपनी निकालेगी, डिवाइड बाय ऑल पॉइंट्स ऑफ क्वालिफायर। जैसे आपके 300 पॉइंट्स थे, वैसे सभी पॉइंट मिला के फॉर एग्जाम्पल 50000 पॉइंट होते हैं। तो दोस्तों सिंपल कैलकुलेशन है, 2 लाख डिवाइड बाय 50000 इज इक्वल टू पॉइंट वैल्यू आता है 4। तो यहाँ पे पॉइंट वैल्यू कंपनी ने कैसे कैलकुलेट की है कि आप जिस स्लैब में है उस स्लैब का कंपनी ने परसेंटेज साइड में निकाला, उसके बाद में आपका जितना पॉइंट है, 10000 के स्लैब में आपका 300 पॉइंट था, वैसे ही 10000 के स्लैब में फॉर एग्जांपल 20 क्वालिफायर है, उनके सबके पॉइंट मिला के 50000 पॉइंट होता है। तो क्या किया कंपनी ने कि 50 लाख का 4% 2 लाख डिवाइड बाय सभी पॉइंट मिला के 50000 होता है, तो पॉइंट वैल्यू आता है 4। तो यहाँ पे हमें कैलकुलेशन देखना है कि आपका ग्रुप बीवी बोनस कैसा आता है दोस्तों, कि आपके खुद के पॉइंट कितने थे 300
और एक पॉइंट का वैल्यू कितने रुपीज में? 4। तो आपका इनकम होता है 1200, 1200 रुपए, ये हो गया आपका इनकम। दोस्तों सिंपल फॉर्मूला है, ये सभी सॉफ्टवेयर में ऑलरेडी फिट है, आपको सिर्फ ध्यान देना है कि हम लोग किस स्लैब में है। ओके, ग्रुप बीवी लेने के लिए दोस्तों एक कंडीशन है, सबसे पहले ग्रुप बीवी अगर आपको लेना है तो कम से कम 100 बीवी का सेल्फ रिपर्चेस होना जरूरी है, ये आप नोट कर लीजिए। आपके नीचे 10,000-20,000 का टर्नओवर हो चुका है, अगर आपको वो होने के बाद भी अगर इनकम नहीं आता है तो ये आप समझ लीजिए आपने ग्रुप बीवी का सेल्फ रिपर्चेस नहीं किया होगा। ग्रुप बीवी बोनस लेने के लिए दोस्तों आप नोट करके रखिए, 100 बीवी का कम से कम सेल्फ रिपर्चेस होना जरूरी है। ओके, ये कैलकुलेशन आपको समझ में आया? इसमें क्या किया था दोस्तों कि हमने आपके पहले खुद के पॉइंट निकाले थे, कंपनी टर्नओवर से पॉइंट का वैल्यू निकाला था और यहाँ पे हो गया आपका इनकम 1200 रुपए। तो ये सिंपल कैलकुलेशन है दोस्तों, ये हुआ एक एग्जाम्पल। हम लोग और दो एग्जाम्पल देखने वाले हैं, यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हैं कि फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे लोग पूछते कि सर ठीक है मेरे अगर दो ही लेग में काम होता है तो कोई टेंशन नहीं। दोस्तों आपके अगर दो पॉकेट में भी काम होता है तो भी आप ग्रुप बीवी बोनस ले सकते हो। उसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं कि फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे हो, आपके नीचे ए और बी, ए बी सी ऐसे तीन आपके पॉकेट है। आपका फॉर एग्जाम्पल दिसंबर मंथ में एक का जो पॉकेट है उसमें से गया 50,000 का बिजनेस और बी का जो पॉकेट है उसमें से गया 30,000 का बिजनेस। तो आपका टोटल बिजनेस कितना गया? 80,000 बीवी का बिजनेस आपके नीचे गया। ओके, अभी फॉर एग्जांपल 80,000 बीवी का अगर आपका बिजनेस होता है तो आप कौन से स्लैब में हो आप बताओ तो। देखो हम लोग फिर से पीछे जाते हैं, 80,000 अगर आपका बिजनेस है तो आप कौन से स्लैब में जाओगे? 50,000 के ग्रुप बीवी में, क्योंकि 50,000 और 1 लाख के बीच है 80,000, तो आप जाओगे 50,000 ग्रुप बीवी के स्लैब में। तो आपके लिए कंपनी कितना परसेंट निकालने वाली है? 4%। यहाँ पे हम लोग कैलकुलेशन देखते हैं दोस्तों, वही सेम फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करने वाले हैं कि यहाँ पे 50,000 और 30,000 हाईएस्ट लेग कौन सा है? 50,000। तो हाईएस्ट लेग का कंपनी कितना परसेंट निकालने वाली है? 1%। तो 50,000 का 1% कितना होता है? 500 पॉइंट। 500 पॉइंट आपको आपके निकलेंगे टीम ए से, और टीम बी जो है जो कम बीवी है 30,000 उससे कंपनी निकालेगी 5%, जिससे पॉइंट निकालेगे 1,500, मतलब 1,500। और सी में तो कुछ बिजनेस ही नहीं इसलिए उसके कुछ पॉइंट नहीं निकलेंगे। टीम ए और टीम बी का पॉइंट मिला के आते हैं 500 प्लस 1500, आपके पॉइंट होते हैं 2,000। 4% साइड में निकालती है कंपनी, तो आपके खुद के पॉइंट कितने हुए दोस्तों? 2,000 पॉइंट आपके खुद के निकले। अगर दो लेग से भी काम होता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सारे लोगों को आदत है दो लेग में काम करने की, क्योंकि मुझे मालूम है यहाँ पे मैक्सिमम जो लोग है वो बाइनरी में काम कर चुके हैं, उनका एक्सपीरियंस बाइनरी में है। तो आप दो लेग के ऊपर भी प्रॉपर फोकस करते हो तो आपको ग्रुप बीवी लाइफ टाइम मिलने वाला है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं दोस्तों कि हमने क्या किया, आपके खुद के पॉइंट निकाले 2,000। अभी यहाँ पे फिर से कैलकुलेशन क्या करना है, आपके पॉइंट तो कंपनी ने निकाल दिए लेकिन कंपनी टर्नओवर से एक पॉइंट का वैल्यू कितना है? तो उसके लिए सिंपल फॉर्मूला क्या है दोस्तों? सेम फॉर्मूला है, टोटल बीवी ऑफ कंपनी इनटू 4% डिवाइड बाय ऑल पॉइंट्स ऑफ क्वालिफायर इज इक्वल टू पॉइंट वैल्यू। तो सपोज यहाँ पे भी अगर हम लोग पकड़ते कंपनी का टर्नओवर 50 लाख है तो आप 4% के स्लैब में, तो उस हिसाब से 2 लाख आपका साइड में निकला। और इस ग्रुप में 50,000 के ग्रुप में फॉर एग्जाम्पल 1 लाख पॉइंट अगर बनते हैं, आपके जैसे 2,000 पॉइंट है, वैसे 50,000 के स्लैब में आपके जैसे 20 क्वालिफायर है और उन सबके पॉइंट मिला के अगर 1 लाख पॉइंट है तो यहाँ पे क्या है, 2 लाख डिवाइड बाय 1 लाख इज इक्वल टू पॉइंट वैल्यू आता है 2 रुपीज, ये पॉइंट वैल्यू आता है। तो दोस्तों सिंपल कैलकुलेशन है, आपके पॉइंट कितने थे? 2,000, और एक पॉइंट का वैल्यू कितना है रुपीज में? 2 रुपए। तो आपका इनकम होता है 4,000 रुपए। आपका अगर 1,000 पॉइंट होता है तो 2,000 इनकम, अगर आपका 5,000 पॉइंट होता है तो 10,000 इनकम। सिंपल कैलकुलेशन है दोस्तों, कंपनी आपके खुद के पहले पॉइंट निकालती है ये फॉर्मूले से,
कंपनी टर्नओवर से पॉइंट वैल्यू निकालती है रुपीज में, पॉइंट वैल्यू इनटू, यहाँ पे सिंपल कैलकुलेशन है कि योर ग्रुप बिजनेस कॉस्ट है आपके खुद के पॉइंट इनटू पॉइंट वैल्यू इज इक्वल टू ग्रुप बीवी का बोनस। फिर से एक बार मैं समझाना चाहता हूँ दोस्तों कि यहाँ पे क्या है कि आपका 50,000 और 30,000 दो ही लेग में काम होता है, तो आप 80,000 का आपका टोटल बीवी होता है, और 80,000 का बीवी मतलब आप जाते हैं 50,000 के स्लैब में। अगर हम लोग चार्ट देखते हैं तो 50,000 के स्लैब के लिए कंपनी 4% साइड में निकालने वाली है, और इसमें से क्या करेगी, पहले आपके खुद के पॉइंट निकालेगी। खुद के पॉइंट के लिए 50,000 का 1%, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, 1% ऑफ हाईएस्ट लेग, 50,000 और 30,000 इसमें से हाईएस्ट बीवी है 50,000 का, इसके लिए कंपनी 1% साइड में निकालेगी, और अदर लेग का 5% मतलब 30,000 का 5%, तो आपके पॉइंट निकलते हैं 2,000, और कंपनी टर्नओवर से हम लोग पॉइंट का वैल्यू निकालते हैं 2 रुपीज, आपके पॉइंट थे 2,000, एक पॉइंट का वैल्यू था रुपीज में 2 रुपए, तो आपका बिजनेस हो गया 4,000 रुपए। तो दोस्तों अभी तक हमने ये दो एग्जांपल देखे हैं। पहला एग्जांपल हमने देखा था आप 10,000 के स्लैब में थे, दूसरा हमने देखा था आप 80,000 के स्लैब में। अभी तीसरा और लास्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे स्लैब में अगर हम लोग देखते हैं कि फॉर एग्जांपल आपके नीचे ए बी सी आपके तीन पॉकेट है, इसमें से ए का बिजनेस है 5 लाख, बी का बिजनेस है 3 लाख, और सी का इनकम है 2 लाख। तो यहाँ पे कैलकुलेशन हम लोग देखते हैं, यहाँ पे कैलकुलेशन हम लोग अगर देखते हैं कि आपका जितना भी बिजनेस होता है, फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे ग्रुप बीवी का हाईएस्ट पॉइंट कितना है 1 लाख, यहाँ पे हम लोग कैलकुलेशन देखते हैं दोस्तों कि आपका 5 लाख 3 लाख और 2 लाख आपका टोटल कितना होता है, 5 और 3 8 और 2 10 लाख, 10 लाख का टोटल बीवी आपका होता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला अगर देखेंगे दोस्तों, 1 लाख के ऊपर जो कुछ भी ग्रुप बीवी है उसके लिए 5,000 पॉइंट्स कैपिंग इन ईच लेग। 1 लाख के ऊपर अगर आपके कितने भी पॉइंट्स जाते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे ग्रुप बीवी के लिए कंपनी ने कैपिंग दिया है। ये कैपिंग क्यों दिया है, क्योंकि सबको पैसा बांटना है। यहाँ पे 5,000 पॉइंट्स कैपिंग मतलब आप 1 लाख के ऊपर कितना भी पॉइंट जाता है तो 5,000 पॉइंट कंपनी कैलकुलेट करने वाली है। तो यहाँ पे फिर से हम लोग कैलकुलेशन करते हैं कि हाईएस्ट लेग का 1% और अदर लेग का 5%। तो यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं दोस्तों कि 5 लाख का 1% कंपनी निकालती है 5,000, 3 लाख का 5% कंपनी निकालती है 15,000, और 2 लाख का 5% आता है 10,000। आपके पॉइंट निकलने चाहिए थे 5,000, 15,000 और 10,000, मतलब आपके पॉइंट होने चाहिए थे 30,000। लेकिन दोस्तों यहाँ पे कैपिंग अगर आप देखते हैं तो 5,000 पॉइंट तो कैपिंग के ऊपर दे रहे हैं, लेकिन आपके अगर 15,000 पॉइंट होते हैं तो यहाँ पे कंपनी सिर्फ 5,000 पॉइंट ही कैलकुलेट करने वाली है। आपके 10,000 भी अगर पॉइंट होते हैं तो कैपिंग के हिसाब से आपके कंपनी 5,000 ही पॉइंट कैलकुलेट करने वाली है, मतलब आपके टोटल पॉइंट होने वाले हैं 15,000। तो ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनका हाईएस्ट लेग 1 लाख से भी ज्यादा ऊपर जाता है। देखो हाईएस्ट लेग का तो ऑलरेडी 1% से कंपनी ने 5,000 पॉइंट दे दिया है, लेकिन फॉर एग्जांपल 30,000 पॉइंट के ऊपर अगर कंपनी किसी को पैसा देती है तो सिर्फ जो ऊपर वाला जो डिस्ट्रीब्यूटर है वही ज्यादा पैसा कमाएगा। कंपनी का ये इंटेंशन है कि आए हुए सभी डिस्ट्रीब्यूटर को ज्यादा से ज्यादा पैसा मिले, नए लोगों को ज्यादा से ज्यादा इनकम मिले, इसलिए कंपनी ने ये पॉइंट का कैपिंग दिया है। दोस्तों मैं फिर से एक बार बोलना चाहता हूँ कि कैलकुलेशन के हिसाब से आपका 30,000 तो पॉइंट बनता है, लेकिन यहाँ पे कैपिंग होने की वजह से 15,000 नहीं बल्कि 5,000 ही पॉइंट कैलकुलेट किए जाएंगे, 30,000 नहीं 10,000 नहीं बल्कि 5,000 ही पॉइंट कैलकुलेट किए जाएंगे, तो आपके टोटल पॉइंट होते हैं 15,000। तो यहाँ पे कंपनी सिंपल क्या करने वाली है कि फॉर एग्जांपल आपके स्लैब में
जितने भी लोग आते हैं, 1 लाख के स्लैब में 10 लोग है, उन सबका 2 लाख पॉइंट होता है, तो कंपनी उसमें से 5% निकालने वाली। देखो स्लैब में मैंने बोला था 2500 से लेके 50,000 तक कंपनी 4% साइड में निकालती है, और आप 1 लाख बीवी के ऊपर जाते हो तो उसके लिए 1% एक्स्ट्रा मतलब 5% कंपनी आपके लिए साइड में निकालने वाली है। फॉर एग्जाम्पल कंपनी का टर्नओवर 50 लाख है, 50 लाख के 5% होते हैं 2.5 लाख, और आप सभी के पॉइंट है 2 लाख, तो 1 पॉइंट का वैल्यू आता है 1.25। कैलकुलेशन के हिसाब से आपके खुद के पॉइंट थे 15,000 और 1 पॉइंट का वैल्यू है 1.25 रुपीज, तो आपका टोटल इनकम बनेगा 18,750, 18,750। ये आपका ग्रुप बीवी का बोनस मिलने वाला है। तो दोस्तों हमें बेसिक चीजें समझना है कि सबसे पहले ग्रुप बीवी लेने के लिए हमें 100 बीवी का रिपर्चेस करना जरूरी है। अगर 100 बीवी का रिपर्चेस आप करते हो तो ही आप ग्रुप बीवी ले सकते हो। दूसरा, आपको ये जो बिजनेस है कम से कम 2 लाख के ऊपर मिलेगा। बहुत सारे लोग पूछते हैं, सर मेरे एक ही साइड में 2,000-5,000 हुए, मैंने दूसरे साइड में अगर नहीं कुछ किया तो मुझे इनकम आएगा क्या? तो उसका आंसर है नो। सिंगल लेग के ऊपर यूनिलिंक कंपनी इनकम नहीं देती है। फॉर एग्जाम्पल आपके नीचे फॉर एग्जाम्पल 10,000 का बिजनेस है, लेकिन साइड वॉल्यूम सेकेंड थर्ड लेग से आप कुछ भी 500,000 अगर आप बीवी करते हो तो कुछ ना कुछ आपको ग्रुप बीवी आने वाला है। मतलब कंपनी का स्टैंडर्ड कैलकुलेशन ऐसा है दोस्तों कि आप अगर 2,500 के स्लैब में है तो कम से कम 10% मतलब 250 बीवी साइड से होना चाहिए। आप अगर 5,000 के स्लैब में है तो 500 बीवी साइड वॉल्यूम होना चाहिए। 10,000 के स्लैब में है तो 1,000 बीवी, 25,000 के स्लैब में है तो 2,500 बीवी, 50,000 के स्लैब में है तो 5,000, और 1 लाख का बीवी है तो कम से कम आपको 10,000, मतलब 10% का बिजनेस तो होना ही चाहिए। ये कंपनी का कुछ कंडीशन है। सिंगल लेग के ऊपर ग्रुप बीवी आपको नहीं मिलने वाला है। तो दोस्तों ये है ग्रुप बीवी बोनस, जिससे आपको पता चलेगा कि हम लोग किस तरीके से इनकम यहाँ पे बांट